Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402. And here we are in lecture number 10 of unit number 3. So in the previous lecture, basically हम लोगों ने बात की थी curve fitting की, जहां पे हम लोगों ने देखा था different types of curve या second degree parabola आप किस तरह से set करते हैं with your given data. Now, from this lecture, अब हम एक नया topic start करने जा रहे हैं of this unit that is called correlation. जी हाँ, क्या होता है correlation और किस तरह से correlation calculate किया जाता है, what is the formula used for calculation of the coefficients of correlation, coefficient of correlation, right? And that formula is basically called Carl-Pearson coefficient of correlation. And then we will look what is rank correlation. कि correlation में यहाँ पे different cases हैं, या आप ये कह सकते हैं different types of questions हैं कि question में क्या given है, तो हमें कौन सा formula apply करना है, either they have given the direct values or they have given the rank, तो उस case में हम different correlation use करने वाले हैं. तो चलिए ये सब जानने के लिए अपना lecture start करते हैं on correlation. So correlation. अब अगर मैं correlation की बात करूं, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है basically last lectures में curve fitting, उसमें हम लोगों ने क्या देखा है, the y is dependent on x, यानी कि अगर x change होगा तो y में changes आएंगे ही आएंगे, right? तभी तो dependency है. अब यही चीज, यानी कि हम ये बोल सकते हैं these two variables are related to each other, और I can say that in a bivariant distribution, bivariant का मतलब कि अगर एक वेरिएबल में चेंज होता है, इफ द चेंज इन वन वेरिएबल अफेक्ट्स द चेंज इन अदर वेरिएबल, कि एक वेरिएबल के चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ रहा है, देन वी सेड दैट द वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड, राइट? कि जैसे कि हम बहुत बहुत बार पढ़ते हैं कि सपोज वोल्टेज इंक्रीज करा, करंट इंक्रीज हो रहा है, राइट? या करंट इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, या हम यही बोलते हैं करंट इंक्रीज कर रहा है बट वोल्टेज डिक्रीज कर रही है. सो वी कैन से दैट द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू आई, और वी कैन से वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू 1/I, राइट? सो ये रिलेशन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं. अब अगर मैं कह रहा हूं वोल्टेज करंट के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है, दैट इज द रिलेशन, दैट इज द कर्व फिटिंग पार्ट. बट अब अगर वोल्टेज और करंट में डिपेंडेंसी है, कोरिलेशन है, तो अगर वो एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हैं, यानी एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, मींस दे आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट और इट इज पॉजिटिव. वहीं पे अगर हम कहते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i, यानी i को इंक्रीज कीजिए v डिक्रीज कर जाएगा, दैट मींस इफ द टू वेरिएबल डेविएट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नोन एज इफ द इंक्रीज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर वेरिएबल, देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी इनवर्स और नेगेटिव, जिसे हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? सो आई होप कि आपको याद आ गया होगा कि ये दो टर्म हम बहुत बार यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो दैट इज नथिंग बट द कोरिलेशन. अब इन दो वैल्यूज में, यानी दो वेरिएबल्स में कितना कोरिलेशन हो रहा है, उस चीज को हमें यहां मेजर करना है. दे आर हाईली कोरिलेटेड, मतलब वैल्यू ऑफ कोरिलेशन क्या है, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट क्या है, तो इस चीज को हम यहां पे बोलते हैं कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मुला. इफ यू हैव कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन इट इज रिटन एज आर ऑफ एक्स वाई, सफिक्स में हमने यहां पे एक्स वाई दे दिया, जो कि ये शो करता है कि एक्स और वाई के बीच में हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं. And that is equal to summation xi minus x bar yi minus y bar divided by summation xi minus x bar whole square multiply summation yi minus y bar whole square, right? So this is one of the formula. अभी मैं आपको other formula भी दिखाऊंगा, but अगर इसी formula को थोड़ा सा और easy करा जाए याद करने के लिए, तो इसमें numerator तो same रहता है, that is summation x minus x bar y minus y bar, but नीचे denominator वाले portion को लिखा है n into sigma x into sigma y. जी हाँ, if you remember, हम लोगों ने second moment यानी कि variance पढ़ा था, and this variance is calculated by summation xi minus x bar square divided by n, if you remember. Right, where x bar is basically what? X bar is called mean. तो अगर variance mu 2 था, तो हमने ये पढ़ा था, what is standard deviation? Standard deviation is variance under root, right? यानी under root of mu 2, या मैं यहाँ पे बोलूँ standard deviation क्या होगा? Standard deviation होगा इस value का under root, यानी कि आप इसका under root कर देंगे, तो ये हो जाएगा summation x i minus x bar square divided by n whole under root, that is called the standard deviation. So, अगर हमने यहाँ पे लिखा है standard deviation of x sigma x is equal to this one, और similarly sigma y भी आपका यही हो जाएगा, but वहाँ पे series हो जाएगी y minus y bar whole square divided by n whole under root,
राइट. सो अगर इन दोनों को यहां मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू टर्म मीन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, देन क्या हो जाएगा, अंडर रूट अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में एन एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर. तो एक तरह से यहां पे एन अलग हो जाएगा और ये टर्म बन जाएगी एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. सो ये वैल्यू है जो आपके डिनोमिनेटर पोर्शन पे रखी है, तो इसलिए हमने यहां पे इसे रिप्लेस कर सकते हैं एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. राइट. सो फॉर्मूले में केवल एक रिलेशन पुटअप हुआ है कि बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम उसे एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं. तो जो आपको फॉर्मूला इजी लगे वो याद कर लीजिएगा, या मैं यहां पे ये कहूं फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है. और जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन में हम वैल्यू अप्लाई करते हैं, वी विल कैलकुलेट द मीन वैल्यू, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे. राइट. बट यहां पे एक अनदर फॉर्मूला भी है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली, एंड दैट इज सो सिंपल एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूला. बिकॉज इसमें अगर यहां पे मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन वैल्यू अगर गिवन है तब तो मैं ये फॉर्मूले में जाऊंगा, बट अगर मुझे केवल एक्स और वाई वैल्यूज गिवन है सो मैं इस फॉर्मूले का यूज क्यों करूं, वाई आई एम कैलकुलेटिंग द सेकेंड मोमेंट, राइट, या वाई आई एम कैलकुलेटिंग द मीन वैल्यू. सो उस केस में हम एक अनदर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दैट फॉर्मूला इज सो सिंपल गिवन बाय एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डॉट एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी फॉर्मूला जब हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, बिकॉज अब आप यहां पे देख सकते हो अभी जो हमने कर्व फिटिंग सीखा है उस कर्व फिटिंग में हमें एक्स और वाई अगर गिवन है और आपसे अब कोरिलेशन पूछा जा रहा है, देन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ समेशन वाई, आई कैन कैलकुलेट एक्स स्क्वायर एंड देन समेशन एक्स स्क्वायर, आई कैन कैलकुलेट समेशन एक्स होल स्क्वायर तो हम कर ही सकते हैं. सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट वाई स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, राइट, समेशन वाई या समेशन वाई का होल स्क्वायर. तो और एक कॉलम यहां पे आ जाएगा एक्स वाई, राइट. तो इन दिस मैनर बहुत इजीली आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड देन पुट द वैल्यू ओवर हियर एंड सॉल्व द क्वेश्चन. क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं होता फॉर्मूला मेंशन होना कि आपको कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, दैट इज डिसाइडेड बाय यू ओनली. बट जो वैल्यूज दी जाती हैं उसके बेसिस पे हम अपने फॉर्मूले का सिलेक्शन कर लेते हैं. लाइक अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी वैल्यूज गिवन होंगी आई विल प्रेफर दिस फॉर्मूला, बट अगर मुझे केवल सीरीज गिवन है आई विल प्रेफर दिस फॉर्मूला. और अगर मैं यहाँ पे सेकंड फॉर्मूले के अंदर बात करूं तो हमने एक मेथड पढ़ा था, डैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल मेथड, राइट. अगर मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वहां पे चेंज ऑफ स्केल यूज करते थे, डैट इज यूज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच, राइट, इक्वल इंटरवल के केस में. तो वो चीज यहां पे भी है. अगर आप देखेंगे तो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. इफ यू आर पुटिंग यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाय एच एंड वी इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाय एच, वेयर ए एंड बी आर व्हाट, ए एंड बी आर मीन वैल्यूज, जिसे हम एज्यूम मीन बोलते हैं, जो कि मीडियन के बेस पे कैलकुलेट करना सीख रखा है हम लोगों ने, राइट. तो उसके बेस पे भी आप यहां पे कोरिलेशन कोफिशिएंट दे सकते हैं एंड दैट इज ऑन द सेम बेस जैसे कि यहां पे आपका फॉर्मूला लिखा है एन इंटू समेशन एक्स वाई, यहां पे हो जाएगा एन इंटू समेशन यू वी माइनस समेशन यू समेशन वी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन इंटू समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू होल स्क्वायर, और सेम चीज आपको वी के लिखनी है. तो इन दोनों फॉर्मूले में कहीं से कहीं तक कोई चेंज नहीं होता, चाहे आप चेंज ऑफ स्केल यूज करें या ना करें. बट स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको डेटा सीरीज क्वेश्चन है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉर्मूला प्रेफर करते हैं टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट. अब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर यहां पे क्वेश्चन में आपको दिखाऊं तो यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. हियर वी हैव गिवन एक्स, वी हैव गिवन वाई, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. अब यहां पे कोई स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं हो रही, आई विल यूज द सेकंड फॉर्मूला, दैट इज सेज एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय अंडर रूट वैल्यू. So, जो भी मुझे यहां पे वैल्यूज चाहिए, क्या क्या वैल्यूज चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन वाई स्क्वायर चाहिए, तो ये सारी वैल्यूज को मैं टैबुलेट कर लूंगा. आई हैव एक्स एंड वाई वैल्यू, आई कैन कैलकुलेट एक्स स्क्वायर, आई कैन कैलकुलेट वाई स्क्वायर, आई कैन कैलकुलेट एक्स वाई, देन फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल. Once we get the summation value, then straight forward formula आपको याद रखना है, इस formula में value put कीजिए कि what is n, n is basically what, n is basically यहाँ पे 6 है n की value, then what is summation xy, summation xy is 582, so it is 582 minus summation x into summation y, यानी कि 34 multiplied by 90, that is summation x and summation y, then under root of n into summation x square, यानी
under root of 6 multiplied by summation x square है 248, then minus of summation x whole square, यानि कि 34 square. Similarly, आपको यहाँ पे value put करनी है, like ये वाली term बन जाएगी 6 multiplied by summation y square, that is 1446 minus summation y whole square, यानि कि 90 का square. And once you solve this simple calculation using calculator, check कि आपका आंसर 0.9879 इस आंसर को आप गेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द कोएलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द गिवन डेटा सीरीज R इज इक्वल टू 0.9879. अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं जो हमने जस्ट स्टेटमेंट अभी पढ़ा था कि कोएलेशन डायरेक्ट होता है या इनवर्सली होता है, सो आप कैसा बोलोगे कि कैसा कोएलेशन है यहां पे? अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए ऑल्सो कंक्लूड योर रिजल्ट, राइट, या राइट डाउन द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट. तो यहां पे रिजल्ट कैसा मिल रहा है मुझे? रिजल्ट मिल रहा है पॉजिटिव रिलेशन, राइट, पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो इसका मतलब होता है कि यहां पे ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं. देयर इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर डायरेक्टली रिलेशन, डायरेक्टली रिलेटेड. और यू कैन से कि दोनों में कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, राइट. सो दिस इज द कंक्लूजन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में बोला था कि कोरिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पे हो सकता है. ये तो मैंने डायरेक्ट सीरीज लिया, हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड हो, वो भी हम आगे चल के देखेंगे. बट कोरिलेशन में कई बार ऐसा भी होता है कि यहां पे वैल्यूज ना डिफाइन करके, सपोज दीज आर नंबर, मैं कहता हूं ये एक एक्स और वाई जो है ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और ये उनमें नंबर्स हैं, राइट. अब हम नंबर्स ना देखे, अगर हम बोले दीज आर रैंक्स, दीज आर नॉट स्कोर्स, दीज आर रैंक, तो उस केस में कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट. हमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, बट अब की बार मुझे उन दो वेरिएबल्स में वैल्यूज गिवन नहीं है, राइट, उनमें स्कोर्स गिवन नहीं है, उनमें रैंक गिवन है. तो उस केस में जब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, दैट कोरिलेशन इज बेसिकली कॉल्ड रैंक कोरिलेशन. And it is defined as by the formula R is equal to 1 minus 6 into summation di square divided by n n minus 1. Right? So where n is what? N is our number of observation. जितने भी हमें number of observation दिए जाते हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, whatever. Now what is di? Di is basically xi minus yi. तो d basically क्या है? दोनों rank में difference होगा. यहाँ पे x और y क्या represent करेंगे? Rank represent करेंगे. तो di is basically called the difference between the two values, two ranks, right? And एक और चीज़ यहाँ पे भी मैं आपको question में भी check कराऊँगा कि यहाँ पे जब हम summation और di calculate करते हैं, तो that is always zero. ये हमारे लिए क्रॉस चेक होता है कि हमने रैंक सही से असाइन करी है या नहीं करी. अब इसका क्या मतलब हुआ, रैंक सही से असाइन करी है कि नहीं करी है? बिकॉज यहां पे क्वेश्चन में दो से तीन तरह की कैटेगरी हैं. आपको हो सकता है रैंक डायरेक्टली गिवन मिल जाए, रैंक राइट, रैंक डायरेक्टली गिवन. दूसरा टाइप हो सकते हैं जहां पे आपको रैंक खुद से कैलकुलेट करनी पड़े, देव गिवन स्कोर एंड देन आस्क द रैंक कोरिलेशन, राइट. और तीसरा होता है जहां पे आपके स्कोर्स भी रिपीट होते हैं, मीन्स रैंक भी रिपीटेड केस में होती है. तो यहां जो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ रखने वाला हूं, दैट इज जब हमें डायरेक्टली रैंक गिवन है और उस केस में हमें कुछ नहीं करना, केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस डीआई को कैलकुलेट करना होता है. द क्वेश्चन इज सो सिंपल और हम बहुत इजीली इस आर को कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कंप्यूट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग, राइट. यहां पे पर्सन अवेलेबल हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और इनकी रैंक इन मैथमेटिक्स और रैंक इन फिजिक्स दी गई कि दिस इज रैंक 9, दिस पर्सन हैव रैंक 10, दिस पर्सन हैव रैंक 6, दिस हैव रैंक 5. वहीं पे इन फिजिक्स दिस पर्सन हैज रैंक 1, दिस पर्सन हैज रैंक 2. तो इन दिस केस वो आपसे क्वेश्चन बोलेगा कंप्यूट द रैंक कोरिलेशन. नाउ इट इज नॉट सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, नाउ इट इज रैंक कोरिलेशन. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली रैंक्स गिवन है और मुझे कुछ नहीं करना. आई नीड टू अप्लाई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला, दैट इज व्हाट पर्संस हमें गिवन है, आर वन गिवन है, आर टू गिवन है, मींस डायरेक्टली रैंक गिवन है ना. सो व्हाट आवर फॉर्मुला सेज आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एन स्क्वायर माइनस 1. तो यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? इफ यू काउंट दीज वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो एन बिकम्स 10, राइट. नाउ द नेक्स्ट अननोन वैल्यू ओवर हियर इज डी आई. सो डी आई कैलकुलेट होता है रैंक डिफरेंस, यानी कि मैं इस कॉलम में एक टैबुलेट करूंगा, एक कॉलम कैलकुलेट करूंगा, डैट कॉलम इज बेसिकली डी आर वन माइनस आर टू. अब यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे आर वन माइनस आर टू लिखा है, बट कहीं पे भी आप ऐसा नहीं है कि आर टू माइनस आर वन नहीं ले सकते. यू कैन डू फॉर आर टू माइनस आर वन, बट इन दैट केस ऑल द वैल्यूज इन द टर्म ऑफ आर टू माइनस आर वन, राइट. क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्क्वायर करना है, तो यहां पे नेगेटिव साइन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है. बट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बिगर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे. इफ यू आर टेकिंग आर वन माइनस आर टू, देन आर वन माइनस आर टू लीजिए. इफ यू आर डूइंग आर टू माइनस आर वन, देन
in the complete table put as R2 minus R1, right? So generally जो हम लेते हैं वो R1 minus R2 यानी first value minus second value. So आप हर value के लिए calculation करेंगे 9 minus 1 8, 10 minus 2 8, 6 minus 3 8 in the so on manner. और ये वो cross check है जो मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर हम summation di देखें तो that is always 0. It serves as a check on calculation, right? तो यही चीज आपको हर question में मिलेगी if you are calculating d in case of rank correlation. तो ये d का जो summation होता है that is always 0. Then, उसके बाद हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं बिकॉज आई नीड समेशन डी स्क्वायर. सो यहाँ पे डी स्क्वायर आप लोगों ने कैलकुलेट किया, देन फाइंड आउट द समेशन दैट इज 280. पुट द वैल्यू ओनली हियर 1 माइनस 6 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 10. देन उसके बाद 10 स्क्वायर 100 माइनस 1 एंड सॉल्व दिस वैल्यू, यू विल गेट द आंसर दैट इज माइनस 0.697. राइट, सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन जहां पे आपको डायरेक्टली रैंक गिवन है एंड वी विल कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन. तो आप कह सकते हो आपका रैंक कोरिलेशन क्योंकि नेगेटिव है तो आप देख रहे हो कि यहां पे जो रिलेशन जा रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, या यू कैन सेट दैट दे आर नेगेटिवली रिलेटेड टू ईच अदर, राइट, इनवर्स रिलेटेड टू ईच अदर, करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द रैंक कोरिलेशन केस नंबर 1 ओनली, राइट. इस लेक्चर में अभी यहीं तक रखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम रैंक कोरिलेशन पे बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला जहां पे आपको रैंक डायरेक्टली गिवन नहीं होती, वी हैव टू मेक द रैंक, और अगर हमारे पास रैंक रिपीटेड क्वेश्चन आए उस केस में हम किस तरह से रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.